40,000 बिहारियों को प्रताड़ित करके बिहार भेज दिया गया और प्रधानमंत्री जी मौन हैं। तो प्रधानमंत्री जी मौन रहेंगे तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं से एक साजिश हो रही है, राजनीतिक साजिश। और केवल वही नहीं, मैं तो लगातार बोलते रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ गया का रहने वाला लड़का आज क्रिकेट में इतना अच्छा किया, उसका कुछ लोग आप ही के साथी सहयोगी गए थे इंटरव्यू लेने, उसके ग्रैंडफादर प्रमोद साव या क्या नाम था, मैं देखा था, वो बेचारे डर से बोल नहीं रहे थे, बोलते बोलते रुक गए कि नहीं आप लोग, हम टीवी पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम कोई ये नहीं करेंगे, मेरे बच्चा का हत्या हो जाएगा। तो ये तो लगातार गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अत्याचार ये लोग करते हैं, केवल वोट के लिए हम लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश ठीक ढंग से समर्थन नहीं देता तो आज मोदी जी शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं होते इस देश के। इसलिए हम लोगों ने तो फैसला किया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे तो बिहार कांग्रेस सारे बिहारियों के साथ मिलकर उनको काला झंडा दिखाएगी और उनको हम लोग कंपेन नहीं करने देंगे बिहार में, अगर ये प्रताड़ना रुकी नहीं, बिहारियों का अपमान रुका नहीं। सर, महागठबंधन में जिस तरीके से गोहिल साहब से मिलने गए, पप्पू यादव रात में मिलने गए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कोई कहेगा कि मैं मिलना चाहता हूँ तो उसमें किसको रोक है? इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। इस मिलने जुलने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो आप भी उनको सपोर्ट करेंगे ना? अगर महागठबंधन में आते, आप मेरे घर में आए हैं तो मैं तो अच्छे से मिलूंगा, लेकिन उस मीटिंग का कोई ने शामिल करने में क्या योगदान? नहीं, कोई बात ही नहीं है इस तरह की, कोई बात नहीं है उनके शामिल होने का, कहाँ कोई बात हुई है, कोई बात हो भी नहीं रही है। इस तरीके से मिले थे तो काफी सकारात्मक रिव्यू था कि कुछ बोला नहीं उन्होंने, महागठबंधन अकेले कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, हम उससे जुड़ा हुआ है, हो सकता है चुनाव के पहले कुछ और राजनीतिक पार्टी आ जाए, तो ये निर्णय केवल एक पार्टी का नहीं हो सकता है। कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं कि जब महागठबंधन में कितनी सीट चाहिए कांग्रेस को, या फिर महागठबंधन मजबूती के लिए कम सीट से भी कांग्रेस लड़ेगी? ये कांग्रेस पार्टी का आला कमान, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व और हम, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ रही है तो सब मिलजुल के तय करेंगे। हम इसका निश्चित उत्तर देने की स्थिति में आज नहीं है। ये थे हमारे साथ अखिलेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन जो बना है तमाम पार्टियों के साथ बना है और जो निर्णय लिया जाएगा तमाम पार्टियों के राय को रखते हुए निर्णय भी लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।